अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज जो है तो मैं इस चमचों का सारा रैक जो है तो सारे स्पून्स वगैरह सब सेट करके रख रही थी, क्योंकि यकीन माने जो चीज़ थोड़े अरसा पड़ी रहे ना तो ऐसे ही बंदे को गंदा गंदा फील होता है, तो बंदा कहता है चलो इसको अभी ज़रा साफ़ कर लूँ। वैसे अब सर्दियों की आमद आमद है, तो उससे पहले पहले ज़रा सब चीज़ें फिर से अच्छी तरह साफ़ हो जाए ना तो बेहतर हो जाता है। वैसे तो मैं स्पून्स को हमेशा खुश्क करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी बस थोड़ा अरसे के बाद बंदा कहता है ज़रा अच्छा। और मैंने ज़रा बड़ी स्पून्स को अलग करना था, छोटी को अलग करना था, नीचे भी इसके रैक्स बने हुए उनको भी अच्छी तरह धो धा कर मैंने साफ़ किया, तो इस वजह से जो है तो ज़रा किचन अच्छा और नीट एंड क्लीन हो जाता है। और मज़े की बात बताऊँ, सुबह से मेरी मोबाइल जो खो गई थी, तो आज मैंने वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन मेरी मोबाइल मिल ही नहीं रही थी, तो बिलाखिर मैंने इतना ढूंढा इतना ढूंढा, अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, आप मेरी मोबाइल, अक्सर वो मेरी मोबाइल लेकर चले जाते हैं, तो क्योंकि हम दोनों की मोबाइल एक जैसी हैं और एक जगह पर ही चार्ज पर लगी होती हैं, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं लेकर गया। मैंने कहा अच्छा, अभी तो और भी मसला है, फिर और भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, आखिर गई किधर। तो ये मैंने बच्चों के लिए जी बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी में मैं अक्सर बोनलेस चिकन डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों कहते हैं नखरे हैं, क्योंकि वो हड्डी वाला चिकन भी उनको पसंद नहीं आता, कहते हैं बिरयानी खाओ तो स्मूथली खाओ, उसमें कोई वो मुसीबत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सैलड वग़ैरह भी मैंने रेडी कर ली थी, दही वग़ैरह, और फिर हम चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और ग्रोसरी का मेरा यह है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ही मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे और राशन वग़ैरह हो, तो मैं तकरीबन एक महीने तक की चीज़ अपने घर में रखती हूँ, दालें, चावल, और ये तो वैसे सभी रखते हैं। इसके अलावा दूध जो होता है हम ऑल पर यूज़ करते हैं, वो भी मैं ज़्यादा रख लेती हूँ, और आलू भी मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, 10 किलो तकरीबन ले लेती हूँ, और टमाटर अगर ज़्यादा है तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ आधे, और आधे मैं फ्रिज में ऐसे रख देती हूँ। और प्याज का मैं ये मसला हल करती हूँ कि प्याज में फ्राइड अनियन के पैकेट्स भी रख लेती हूँ अपने घर में, ताकि अगर वो बिल्कुल ही अब प्याज ख़त्म है तो फिर ये नहीं है कि अब तो खाना कैसे पकेगा, क्योंकि प्याज तो है नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब औरत घर बनाती है ना तो उसको बहुत सी बातों का पता चल जाता है, और फिर ये एक्सपीरियंस जो उसको मिलता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करती रहती है। तो ये मैंने सारा घर वगैरह साफ़ कर लिया था, और घर में फिर सुबह कोई नहीं होता, और अब काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने लिए डाइट सूप बना लेती हूँ, और ये इतना कोई मज़े का और इतना कोई मतलब वेट लॉस करना है आपने, वेट लूज़ करना है तो इतना ज़बरदस्त आपके लिए ये इफ़ेक्टिव है ना कि समझें कि एक जादुई मतलब एक सूप है। ये साथ साथ शामी कबाब बन रहे थे, और उसके लिए भी मैंने सब ताज़ा ताज़ा चीज़ें डाली थी। अच्छा, मैंने सूप में क्या डाला है, सिर्फ कैबेज और गाजर, एक गाजर डाली है, और ये चिकन के क्यूब्स हैं, तो अगर आपके पास चिकन के क्यूब्स हैं चिकन डाल दें, और अगर आपके पास अब ये पके हुए हैं ना चिकन के क्यूब्स हैं तो मैंने लास्ट में डाले हैं, अगर आपका चिकन नहीं पका हुआ तो आप शुरू में एक आध पीस चिकन का डाल सकती हैं, और साथ में अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसमें पनीर डाल सकती हैं, मशरूम्स डाल सकती हैं, जो आपका जी चाहे, एक प्रोटीन वाली एक चीज़ आपने इसमें डाल देनी है। और अगर आपको इस तरह सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है तो आप सिर्फ जो है ना मूंग की दाल का भी पका कर बग़ैर तड़के के आप स्पून के साथ लेमन के साथ खा सकती हैं, तो इससे इतना ज़बरदस्त हम अपना वेट कम कर सकते हैं, और मतलब 1-2-3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप में वाज़े फ़र्क फ़र्क नज़र आएगा। ये साथ साथ ये शामी कबाबों का भी किस्सा चल रहा था, और हम पाकिस्तानी तो सूप को भी गोलगप्पों की तरह बनाते हैं, बहुत सारा सिरका, बहुत सारा चिली सॉस और सोया सॉस डालते हैं, थोड़ा सा चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर, मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पनीर भी मैंने डाला था, और मतलब वो ये है ना कि हम लोगों को खट्टा पसंद है, और ये खट्टा एक तरीके से वज़न कम करने के लिए भी बहुत काम आता है, तो मज़े से आप सिरका डालकर एंजॉय करें, तो गरम गरम वो जो आप सूप में सिरका डालकर पी रहे हैं वो भी आपका वेट कम करने में आपके लिए मदद करेगा। तो फिर मैं बना रही थी जी फ्राइड राइस के लिए, मैंने गाजर और शिमला मिर्च वग़ैरह और चिकन वग़ैरह जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो भी निकाल कर मैंने रख लिया था, और चावल मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी वजह से अब बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो चावलों की नई नई वेराइटीज़ मैं सोच लेती हूँ कि आज इस रंग के बनाऊँगी तो आज उस रंग के बनाऊँगी। तो ये देखिए फिर मैंने बनाकर, और मंचूरियन की बजाय मैं अचार के साथ इसको खा रही हूँ, क्योंकि मंचूरियन थोड़ा मीठा होता है और मुझे मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मिर्ची का अचार के साथ खाया है, और ये अरबी गोश्त पक रहा था,
और अरबी गोश्त अगर आप कुकर में बनाएं तो सिर्फ 10 मिनट में बनता है, लेकिन इस तरह चूल्हे पर नॉर्मल बनाएं तो काफ़ी टाइम लेता है। तो आज मैं आपसे ज़िक्र करूंगी कि वो कौन सी ऐप है जो आप बिल्कुल डाउनलोड ना करें बच्चों के लिए, और वो है जी टिकटॉक। यकीन माने पहले मैंने एक आध साल पहले मैंने ये इसको डाउनलोड किया था, लेकिन मेरे मोबाइल में मेमोरी कम थी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसको डिलीट किया। यकीन माने इतना कोई बुरा ये प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। चले हम तो बड़े हैं ना इस सेंस में, और तो मेरे सामने कोई नहीं आया। इतने बदतमीज़ लोग हैं उस वहाँ पर, उनकी इतनी बुरी ज़बान है, और वो इतने मैं आपको बता नहीं सकते कि बस हद होती है। और सिर्फ वो लोग नहीं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो उससे भी बदतर हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी ज़बानों के आगे कोई लगाम कोई हद नहीं है, बस जो उनका जी चाह रहा है बोल रहे हैं, जिसको जी चाह रहा है बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। ये ज़िंदगी ऐसे तो नहीं है जैसे कि आप लोग गुजार रहे हैं। चले गुजारते रहें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को इस फितने से बचा लें, और हम अपने बच्चों को बिल्कुल ये डाउनलोड ना करके दें। और अगर हमारे बच्चों ने ये डाउनलोड कर लिया है तो ज़रूर इसको अनइंस्टॉल करें, ताकि ये जो हमारे बच्चे जो हैं इस फितने से बच सकें। मैं तो इतनी, मेरा तो दिल बुरा हुआ है। शुक्र है मेरे बच्चों ने नहीं की हुई है इंस्टॉल, मेरे बेटे की सिर्फ है, और वो भी मैं उसको देखा है, वो मेरे मैंने उसको फॉलो किया है, और ऐसे कोई भी उसके पास पोस्ट नहीं है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। ये अगर आप डाइट करें तो ये पापड़ ले लें, ये दाल के पापड़ हैं, और इसको फ्राई करने की बजाय ऐसे चूल्हे पर सेंक लें तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। और आप टी टाइम स्नैक के तौर पर, या ऐसे इंसान का मंचिंग का दिल चाहते तो आप ये खा सकते हैं चिप्स वगैरह की बजाय। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। मेरे पीछे से कॉल आ रही है, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।